ये बोलूँगी कि मैं अचंभित हूँ इतने सारे लोगों को देख के, क्योंकि बारिश के बावजूद दे मेड द एफर्ट कि आए यहाँ पे, और योगा के प्रति जो इनका प्यार है वो दिखाई दिया आज मुझे. एंड इट्स रियली वंडरफुल दैट इट वाज वर्थ द एफर्ट. मुझे ऐसे लगा कि मैं आऊँगी और तीन चार लोग होंगे इधर, बट इट वाज अ सक्सेसफुल इवेंट और मुझे बहुत खुशी है. दिस इज़ द फर्स्ट एप्ट्रॉनिक्स फ्लैगशिप इन द होल ऑफ साउथ ईस्ट एशिया. तो दे बिन एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द शिल्पा शेट्टी ऐप एंड दे हैव रियली हेल्प्ड अस become better with time. And today we are app of the day, guys. So, बहुत खुशी है, बहुत अच्छा लगा. देखिए, जब आप किसी भी चीज़ को लेकर पैशनेट हैं ना, तो फिर वो आपको वे डाउन नहीं करता. तो मेरे लिए योगा या फिटनेस एक इट्स बिकम अ पार्ट ऑफ माय लाइफ. इट्स नॉट अ चोर फॉर मी, यू नो. इट्स नॉट अ मुझे एफर्ट नहीं डालना पड़ता उसमें. मुझे खुशी होती है जब मैं वक्त निकाल पाती हूँ अपने बिजी स्केड्यूल में से. वो मेरा टाइम होता है, दैट्स माय मी टाइम, यू नो. एंड इट्स आई थिंक वेरी नीडेड फॉर सेल्फ प्रिजर्वेशन, एनी काइंड ऑफ वर्कआउट रिजीम. And I, prescribe and subscribe to yoga because it's the single most holistic way of kind of improving your health, mental and physical. So, yeah. Actually, पता है शुरुआत मैंने ऐसी मजाक में किया. बट मैंने रियलाइज़ किया कि लोग चाहते थे एक डायरेक्शन. कोई दे वॉन्टेड टू बिलीव इन समबडी हु बिलीव्स इन इट देमसेल्व्स. तो बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन आई जस्ट फेल्ट दैट थ्रू माय सोशल मीडिया एंड थ्रू माय पेजेस मैं कुछ ऐसा कर पाऊँ या कुछ कर सकूँ जो वाकई में लोगों की ज़िंदगी में एक बदलाव लेकर आए. तो आई वेंट डाउन दिस रूट ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस बिकॉज आई रियली फील दैट इज़ द नीड ऑफ द आवर. अगर आप देखेंगे तो द रिसर्च सेज दैट इट कैंसर्स बिकम रैम्पेंट. देयर सो मेनी केसेस ऑफ हार्ट एलमेंट्स, IBS, डायबिटीज, यू नेम इट, एंड इट्स कम विद अ बैंग इन आर लाइव्स. आई जस्ट फील दैट it definitely goes down and boils down to the way we are leading our lives. तो हम abuse कर रहे हैं अपने bodies को, हम ध्यान नहीं दे रहे हैं हम क्या खा रहे हैं, कैसे खाना चाहिए, किस time पर खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए. तो मुझे ऐसे लगा कि not that I'm miss know it all, मुझे ऐसे लगा कि मेरे experiences से जो मैंने learn किया है और मुझे बहुत interest है, मैं बहुत passionate हूँ health और fitness को लेके. I said why not make my social media pages, my Instagram, Twitter, YouTube ke zariye se, why don't I put this thought into people's heads that if you want to make a change, you can. And with the simple thought of swasth raho, mast raho. To aise maine shuruaat ki aur pata nahi, it's become really big and I really appreciate the fact that it just goes to show that people are interested in health, which is great. जो सकारात्मक ऊर्जा है उसके बारे में मैं बात करूँ, आई थिंक दैट्स द पर्सन आई एम यार. आई व्हाट्स देयर नॉट टू बी हैप्पी अबाउट. आई फील वेरी फॉर्चुनेट. मुझे बहुत ख़राब लगता है बारिश के मौसम में जब मैं देखती हूँ जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं कैसे रहते हैं. देयर इज सो मच टू बी ग्रेटफुल फॉर एंड हैप्पी अबाउट. आई एम मोस्ट हैप्पी दैट गॉड इज़ ब्लेस्ड अस विद गुड हेल्थ. तो उसको प्रिजर्व करना भी हमारा फ़र्ज़ बनता है. आई फील वी डोंट वैल्यू आर हेल्थ. तो थ्रू इंस्टाग्राम, और मुझे ऐसे लगता है कि जो यंगर जनरेशन है वो बहुत सोशल मीडिया के प्रेशर में आके यू नो दे फीलिंग लाइक दे आर नॉट गुड इनफ. सो आई वॉन्ट टू रीच आउट टू ऑल दोज किड्स, दोज
this younger generation and say that don't be bogged down by the pressures of social media, guys. You're beautiful, you are wonderful, whoever you are, and accept the, you know, accept yourself for who you are, because each one of us is very special. कहेंगे तो आप लोग देखने के बाद. हाँ, मैं फिल्मिंग अभी शुरू करूँगी तो बहुत नया है सब कुछ मेरे लिए, रीडिंग्स और ये और वो, तो एंजॉय कर रही हूँ एक ये प्रोसेस भी. आई थिंक वक्त सही है, कंटेंट, इट्स अबाउट कंटेंट नाउ एंड आई रियली लाइक द स्क्रिप्ट. एक अलग किरदार में साबिर मुझे प्रेजेंट करेंगे तो बहुत एक्साइटेड हूँ. कुछ नहीं यार, वंस एन एक्टर ऑलवेज एन एक्टर आई गेस. एक बार उस खून को आप चख लो तो फिर. हाँ, थैंक यू, स्वस्थ रहो, मस्त रहो.